ओके, घर में ऑमलेट बन रहा है तो कट 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 की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। वेयर्स डैडी? हाय डैडी, ही इज़ मेकिंग ऑमलेट। यस, आई विल ईट एग्स आफ्टर 6 months। हाय गुगू, गुड मॉर्निंग। ये से क्या एक एक झलक की स्माइल करते हो क्या? अच्छा ओके ओके, आई नो यू आर वेरी हैप्पी। यहाँ साथ खेल लो, चलो। गुड बॉय। सब खाते हो आप? अपने टॉयज को भी खा लेते हो? यू लाइक टू ईट योर टॉयज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। लुक एट दिस लिटिल मंकी, ये मुझे देख रहा है और दिन की शुरुआत हो गई है। कल रात को डिश वॉशर चला ही नहीं। तो कनाडा में ना, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जो बिल रेट्स होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक आपको नॉर्मल बिजली का रेट मिलेगा जो भी है। फिर सुबह के 7 बजे से सुबह के 11 बजे तक 1.5 times का रेट लगता है। फिर 11 बजे से शाम के 5 बजे तक डबल रेट लगता है। आप कुछ भी चलाओ, गैस तो चलती है उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, बट डिश वॉशर मशीन अगर चलाओगे तो डबल रेट पड़ेगा। शाम के 5 बजे से 7 बजे तक 1.5 times होता है, फिर 7 से शाम के 7 फिर वही 1 time हो जाता है। तो ये होता है, तो हम रात को ही चलाते हैं। मैं मशीन भी रात को ही चलाती हूँ जब 1 time होता है, मतलब उतना ही होता है, डबल या 1.5 times नहीं होता है बिजली का रेट। तो डिश वॉशर भी हम रात को ही चलाते हैं। तो कल रात को चलाया था बट चला नहीं, तो सुबह उठ के देखा तो बर्तन सारे गंदे। पहले हमें लगा डिश वॉशर खराब हो गया, हो जाता तो वैसे यहाँ पे मेंटेनेंस होती है हमारे अपार्टमेंट में, वी कैन रेज अ रिक्वेस्ट और वो आके फिक्स कर जाता है। एक बार पहले भी हुआ था, खराब हो गया था, क्लीन नहीं कर रहा था वो बर्तन, तो थैंकफुली अब सही चल रहा है। सो द डे हैज स्टार्टेड विद सम कलर्स विद दिस लिटिल बॉय एंड ऑमलेट इन प्रोग्रेस एंड सम हॉट वाटर। तो हमारे घर का नाश्ता बनाते हैं डैडी और वो होता है ब्रेड, ऑमलेट, पोहा। गुड गुड जॉब, वेरी गुड बॉय। हाँ, मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा चल रही है, स्लो है। सो एक बात बताऊँ, ही सो स्मार्ट। मैंने बोला अंडा, स्मार्ट की बात है, अंडा मैंने बोला ऑमलेट बना दिया, हाँ तुम्हारा ऑमलेट बना दिया। तो मैंने पूछा कितने अंडे का बनाया, और तो बोलते 2 अंडे का। और मैंने बोला एग येलो डाले, हाँ एग येलो डालो, खुद के में एग येलो जरा सा भी नहीं डलेगा, नील मेक इट ओनली फॉर एक अंडा, वो भी एग येलो। मुझे भी खाने की जरूरत, मतलब 2 अंडों का ऑमलेट, उसमें भी दोनों का एग येलो पार्ट। वैसे ही मेरा इतना वेट 12 किलो ऊपर है। तो और सबसे बुरी बात मुझे लगती है, अंडा बनाओ और अगर आपको एग येलो नहीं खाना तो एग येलो फेंको, इतना महंगा तो अंडा आता है उसमें एग येलो डस्टबिन में जाता है, क्या फायदा? खाओ ना फिर। मैं थोड़ी खाऊंगी 3 अंडों का एग येलो। आपके साथ होता ना तो मुझे बताना, अगर आपके साथ भी कोई ऐसे करता है एक येलो आपको खिला देता है, बहुत मोटा है। एक ही ब्रेड देना, मैं एक ब्रेड एक से एक दो खाओ, इसमें नहीं मजा आएगा। एक अंडे के को ब्रेड के बीच में हो तो ही तो मजा आएगा। इट इज टू हैवी। हां, ये अपना ही खेलते रहते हैं कभी कभार। ओके, एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? ओ, पीटी चल रही है इनकी। पीटी गुगू, पीटी हो रही है आपकी? पीटी पीटी पता है क्या होता है? करो जल्दी करो, वेरी गुड। इसे देखना, ये हमें बुला रहा है। बुलाओ, कैसे बुला दो? किलस गया, बिल्कुल किलस गया बच्चा, कि मेरे को अकेला छोड़ के नाश्ता कर रहे हैं। ओके, आई एम कमिंग, सॉरी। ओके, ये इतना सा बाइट है, ही इज नॉट रेडी टू टेक इट। मतलब कमाल है, अच्छा लगता है तुम्हें? मेरे में देखो ना, पूरी वेजिटेबल्स ही भरी हुई है। तो मेरे में वेजिटेबल्स कम डाली थी क्या? अरे मतलब बच गई नहीं सारी, तो मैंने अपने में डाल दी, ये कह रहा हूँ। वैसे ना इंसाफी, दिस इज वेरी स्मार्ट। तो चाय रेडी हो गई है और मैं बना रही हूँ सुबह सुबह एक हेयर मास्क। मुझे हेयर वॉश करना है, बहुत ही तेलू तेलू बाल हो चुके हैं। तो बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस दिए थे, उसमें से कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी यूज़ भी करी हुई हैं, बट ये वाला मुझे बहुत डिफरेंट लगा। ये प्रणामी और उसकी मॉम ने बताया था, ये चावल और मसालों से बनता है। सो आई एम ट्राइंग दिस टुडे। इसका मास्क बनाऊंगी और लगाऊंगी, फिर शैम्पू करूंगी, आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है ये।
ये मैंने ओवरनाइट राइस भिगो के रखे थे एंड इसमें मैं डाल रही हूँ ओवरनाइट मैंने मसाला भिगोया हुआ है जिसमें तेजपत्ता, लौंग एंड ये मेथी दाना है। ये बॉईल कर लिया है ऐसा दिख रहा है। अब मैं फटाफट इसे मिक्सर में ग्राइंड कर दूंगी एंड फिर छान के सीव करके फिर सर पे लगाएंगे। मैंने छान लिया है, ये बचा हुआ है एंड ये मास्क है एक्चुअली, ये आपको लगाना होता है सर पे, तो मैं ये अभी लगाऊंगी एंड इसको स्टोर कर सकते हैं। बच्चा जो होता है यू कैन रेफ्रिजरेट इट और फिर बाद में आप नेक्स्ट वॉश जब करो यू कैन यूज़ इट देन। तो ऐसी सी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, ओ कभी रुक गया है। लिटिल गुगू सो चुका है फाइनली, इसको नहला के मैंने सुला दिया है। सॉक्स पिलाना भूल गई थी तो मैंने इसको कंबल डाल दिया पैर पे। ये देखो आधा घंटे बाद कंबल यहाँ पहुँच गया है। भाई साहब यहाँ पे है, पैर में ठंड लगेगी उसका क्या, यू गॉट कवर आवर सेल्व्स। ओके, आज मौसम बहुत अच्छा है, सूरज निकला हुआ है, ये देखो कितना ब्राइट सनी डे है। कम होता है आजकल लेकिन निकल रहा है यार, दो तीन दिन से अच्छा सन निकल रहा है तो बहुत ही सुंदर हो गया दिन, ब्राइट। लेकिन ठंड है, ऐसा नहीं है ठंड नहीं है, हवा चल रही है। मैं एक चीज़ दिखाऊँ, ये बिल्ली दिख रही है आपको, दैट लिटिल कैट, वो बैठी हुई है सोफे पे हमारे नेबर्स की। इसको मैं ऐसे ही ताकी झाकी करती होती हूँ, हाय कैट, ये देखो उसने मुझे देखा एंड ऐसे एकदम देख के ना देखने लग गई है। अब लुक एट दिस लिटिल क्यूटी कैट। तो आज बनाए मटर पुलाव एंड शशांक इज डूइंग लॉट ऑफ चीची, लॉट ऑफ कम चीची कर रहे हो वैसे, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? सही लग रहा है वैसे तो, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो टेस्टी लगा। क्या चल रहा है, कोई काम वाम नहीं है गुगू? ठीक है, मजा आया? ओ अब कैमरा दिख गया, अब कैमरा दिख गया, अब ही इज लॉस्ट। हाँ कंटिन्यू गुगू, दादिन दिंदा दादिन दिंदा दादिन तिंता दादिन दिंदा, हाँ हाँ आती है आपको ताल करनी, दादिन तिंता दादिन दिंदा दादिन दिंदा दादिन दिंदा दादिन दिंदा दादिन दिंदा। खोलो चलो, आज ना हमने स्क्रीन लाउंज बुक करा है तो मैं वहीं आई हूँ। यहाँ पे आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो रिसेप्शन पे बता के मेंटेनेंस में एंड आप कोई मूवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, कुछ भी देखो। कबीर सो गया है तो हम तीनों में से कोई दो ही आके देख सकते हैं, तो मैं कबीर के साथ रुकूंगी। मैं अभी सेटअप कराने आ गई थी, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, अभी वो मम्मी ऊपर है कबीर के पास तो एक बार सेटअप हो जाएगा। इन लोगों का प्लान है शायद सूर्यवंशी क्या नाम है, सूर्यवंशी देखेंगे एंड वहाँ पे पॉपकॉर्न मशीन है तो मैं फिगर आउट करती हूँ कि पॉपकॉर्न बनेंगे कैसे, मुझे भी नहीं पता यार, मैंने कभी नहीं बनाए। हाँ ओपन इट फर्स्ट, नहीं नहीं ये नहीं, हाँ ये पॉपकॉर्न के ना वो कर्नल्स लाने पड़ेंगे, हमारे पास वो नहीं है, माइक्रोवेव वाला है। अरे डल जाएंगे यार, सब बन जाएंगे वो अंदर, ट्राई करो फिर। तो मिस्टर इंजीनियर तो मास्क नीचे कर सकते हो, यहाँ पे मास्क की जरूरत नहीं है। ये रहा ना यार, ये गंदा हो रहा है शशांक, छी छी छी, गंदा कुछ नहीं हो रहा है, ये किसी ने ऑलरेडी यूज कर लिया, तो तुम शॉप बना लो तो वहां भी तो बने हुए कोई चलता है, मतलब लोगों को एक्साइटमेंट इतना है पॉपकॉर्न बनाने का कि बना के ही रहेंगे कुछ भी हो जाएगा। ये ना बहुत सही है यार, एकदम थिएटर वाली फीलिंग आ रही है, सच बता रही हूँ, ऐसे पीछे बैठ के तो ऐसा लग रहा है बालकनी में बैठे हैं। इट्स एक्चुअली गुड, मेरा मन कर रहा है मैं भी देख लूँ। गुगू क्या करेंगे, वो तो सो रहा है। पॉपकॉर्न घर पे बन गए हैं, ये रहा पॉपकॉर्न बैग और अब ये लोग जा रहे हैं मूवी देखने। बाय। मास नहीं आई हेडक्वार्टर्स, लेकिन रियाज भाई पुलिस हेडक्वार्टर्स में आड़ी से भरी हुई गाड़ी लेके जाना आसान नहीं होगा। पुलिस हेडक्वार्टर्स में हम ब्लास्ट नहीं करेंगे बल्कि हम वहां खुद जाएंगे। ये लोग मूवी देख के आ गए थे 11 बजे, मैं तो ऊपर ही थी, फिर फटाफट हम लोगों ने डिनर विनर किया। कैसा था एक्सपीरियंस? बढ़िया था, मूवी भी ठीक है वैसे तो, बट लेकिन थिएटर एक्सपीरियंस बढ़िया है। सोफाज काफ़ी कंफर्टेबल थे और साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है स्पेसिफिकली हाँ। तो बट हाँ, लेकिन ऑल ओवर प्रॉपर एक थिएटर वाला एक्सपीरियंस लगा, क्योंकि कोविड के चक्कर में बाहर नहीं जा सकते तो यहाँ कुछ भी देख लो, इट्स अ गुड थिंग, आपको फीलिंग आ जाए थिएटर में। मतलब हम लैपटॉप पे देखते हैं, हमने यूजुअली नेटफ्लिक्स, लेकिन अब नेटफ्लिक्स को हमने 85 इंच की स्क्रीन पे देखा तो एक अलग ही मजा आया। एक और बात है कि बूस्टर शॉट स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, आप अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो गया आपको वैक्सीन लिए हुए शॉट 1 एंड 2 इनफैक्ट 2, तो आप अपना बूस्टर शॉट बुक कर सकते हो, फिर उसके बाद देयर इज अ वेटिंग, मतलब क्यू वाइज ये लोग बुलाएंगे। हाँ वो 2-3 दिन में यूजुअली आपको
उनका मेल आ जाएगा और आप अपना फिर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी शायद बढ़ जाए, द गवर्नमेंट माइट कम अप विद न्यू रूल्स, वी विल गेट टू नो। क्यूबेक में तो कर भी दिया है ना, क्यूबेक में उन्होंने गैदरिंग्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब एग्जैक्टली मुझे अभी नंबर नहीं पता है कितना करा, बट उन्होंने कर दिया है क्यूबेक में। लोगों का क्रिसमस में ट्रैवल प्लान था, इनफैक्ट मेरी फ्रेंड खुद ट्रैवल करने वाली थी, करनी है मतलब ड्यूरिंग क्रिसमस। अब लेट्स सी कैसा रहता है। ब्लॉग एंड करते हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक बटन प्रेस करके जाना एंड लीव अ कमेंट फॉर अस। आप हमें बता सकते हो ब्लॉग अच्छा लगा, कैसा लगा, अपनी अटेंडेंस भी दे सकते हो कि आपने ब्लॉग देखा एक कमेंट करके, तो हमें पता चल जाएगा आपने ब्लॉग देख लिया है। और ये भी बता सकते हैं कि आप और क्या देखना चाहेंगे। अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।